फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कोहलर के सॉफ्ट प्रेस फ्लश वेल में क्या फीचर्स होते हैं और उसमें लीकेज होने के क्या कारण हो सकते हैं। कोहलर के फ्लश वेल में हम वॉल्यूम एज वेल एज फ्लो रेट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है और नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3। अगर ये नॉच के सामने आपके नंबर्स आते हैं जैसे कि 1 है तो ये मिनिमम में रहेंगे, 2 में मीडियम और 3 में हायर साइड का वॉल्यूम एडजस्ट होता है। और ये जो स्क्रू दिया हुआ है इससे हम पानी टेम्पररी बंद कर सकते हैं। अगर लीकेज हो रहा है और कस्टमर को अगर पानी बंद करना है तो यहाँ से वो बंद कर सकता है। इसे पानी को एडजस्ट करने के लिए हम इस तरह से हम रोटेट करके पानी को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा टाइट ना करें, जितना हो सके उतना ही टाइट करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक NRV लगा हुआ है, जो प्लेट से जो पाइप आता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से फिर फ्लो यहाँ पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है जो एक्चुअली कोरवॉल को ऑपरेट करता है। डायफ्राम के मूवमेंट से कोरवॉल ऑपरेट होता है। अगर हमारे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अगर बाउल में लीकेज हो रहा है या फिर यहाँ से लीकेज हो रहा है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बाउल में अगर लीकेज होता रहेगा तो हमें ये व्हील जो है इसे रोटेट करके अंदर के कोर वॉल को क्लीन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको मेन लाइन का सप्लाई, पानी का सप्लाई बंद करना होगा। ओके, यहाँ से लीकेज हो रहा है तो भी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको ठीक करना है, लेकिन ये अगर ओपन करना है तो सबसे पहले आपको मेन लाइन का पानी का सप्लाई बंद करना होगा। सर्विसिंग के लिए सबसे पहले हमें ये पाइप निकालना होगा इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक प्लग है, उसे हम लोग को खींच के निकालना है इस तरह। ओके, ये निकालने के बाद तो यहाँ पे कोर वॉल होता है जिसे निकालने के लिए हमें ये रिंग को इस तरह घुमाना है और ये ब्रास के पार्ट को हल्के से अपनी तरफ पुल करते हुए निकालना है। इसमें एक स्प्रिंग अटैच्ड है आप जैसा आप देख रहे हो, और उसके नीचे जो पार्ट है इसे हम कोर वॉल बोलते हैं या पिस्टन बोलते हैं। ये रिंग रहता है, इसे आपको अच्छी तरह क्लीन करना होगा अगर आपके बाउल में लीकेज हो रहा है तो। सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं कुछ स्केलिंग होने के वजह से भी लीकेज हो सकता है, तो इसे अच्छे से क्लीन करना है और फिर वैसे ही इंस्टॉल करना है। कोर वॉल क्लीन करने के बाद आपको सारी चीज़ वापस वैसे के वैसे ही लगाने हैं और एक बार चेक करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है तो हमें पूरा फ्लश वाल डिसेंबल कैसे करना है। अगर कोर वॉल को क्लीन करके भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे डिसमेंटल करना है। सबसे पहले हमें ये पाइप निकालना है इस तरह से, ब्रैकेट निकालना है, वापस से कोर वॉल को निकालना है। ये प्रोसीजर सेम रहेगा और ऊपर एक नट है, इसे आपको घुमाना है और इस पार्ट को आपको नीचे दबाना है। इस तरह इससे ये कंप्लीट असेंबली आप बाहर निकाल सकते हो। इस तरह बाहर निकलोगे, यहाँ आप देख सकते हो कि फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर क्लीन, अगर लो फ्लो होता होगा तो ये फ़िल्टर आप इस तरह निकाल के क्लीन कर सकते हो। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये अभी खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। इसमें 4 स्क्रू है, ये 4 स्क्रू आपको खोलने होंगे। इस तरह आपको सारे स्क्रूज निकालने हैं। हमें ध्यान देने हैं कि ये जो नट हैं इसे आपको संभाल के रखने होंगे।
ये नट को आपको संभाल के रखना है, चार नट रहेंगे आपको अच्छी तरह साइड में रखना है। आपको निकालने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वॉशर बरर से है कि नहीं है, ओके। और ये जब आप ब्लू पार्ट निकालते हो तो यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट है जैसे आप देख रहे हो, ये है ना डिसलोकेट हो जाता है और डायफ्राम के आजू बाजू कहीं पे आ जाता है जिसके वजह से लीकेज होता है इस तरह। तो बेसिकली उसको अच्छी तरह उसके ऊपर रख दीजिए यहाँ पे ये पोजीशन पे। तो लीकेज का कारण ये पार्ट हो सकता है ब्लू कलर का जो डायफ्राम के यहाँ पे आने के वजह से लीकेज कर रहा है, या तो फिर डायफ्राम में ज़्यादा स्केलिंग होने के वजह से भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसे अच्छी तरह क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर दीजिए। जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक होल है उसके अंदर बराबर से स्प्रिंग अटैच कर लीजिए इस तरह से। ये जो ब्लू पार्ट है वापस आपको इंस्टॉल करना है अच्छी तरह से और इस तरह वापस हमें असेंबल करना है। असेंबल करते तो ये ध्यान दीजिए, हमें ये ध्यान देना है कि ये सारे पार्ट बराबर अपनी जगह पे है कि नहीं, पोजीशन पे है कि नहीं। और सेकंड ये देना है कि ये जो पोर्शन है ये हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए। आपको सारे नट्स अपने पोजीशन पे रखने होंगे इस तरह, एक एक करके आप इंस्टॉल कर देंगे इस तरह आपको ये टाइट करना है। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे वापस इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के लिए आपको इस तरह प्रेस करना है ऊपर की तरफ और वो नट को हल्के हाथ से टाइट करना है, और वो जितना हो सके उतना टाइट कीजिए, हाथों से ही टाइट कीजिए। उसके बाद आपको जो नीचे हमने पार्ट पुश किया था उसे अभी हमें ऊपर की तरफ अपने पोजीशन से ला के रखना। उसके बाद हमें ये प्लग इंस्टॉल करना है वापस। उसके बाद हमें कोर वॉल इंस्टॉल करना है अच्छी तरह। उसके बाद आपको स्प्रिंग इंस्टॉल करना होगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर ब्रास का, ओके। अब जब ये आप प्लास्टिक पार्ट रोटेट कर रहे हैं तो ये हाथ से ही रोटेट करें, स्पैनर ना यूज़ करें, और इसे अच्छी तरह टाइट कर दीजिए, हाथों से ही टाइट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको वापस जो पाइप यहाँ से आया हुआ है उसे इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे आपके फ्लश प्लेट से जो पाइप आ रहा है उसे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इनकेस अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है तो आपको सारे फ्लश वेल को उसी तरह से निकालने होंगे और ये पार्ट इंस्टॉल करने होंगे। खाली ये जो पीवीसी पाइप का पार्ट है ये वापस इंस्टॉल करके यहाँ पे लगाना है, इससे ये प्रॉब्लम यहाँ से जो लीकेज हो रहा है उसका प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा।